अरे वाह, अरे वाह, ये भी ले लूँ और ये कितना अच्छा लग रहा है, ये भी मैं ले लेती हूँ। और लिपस्टिक्स कहाँ हैं, और ये कितनी प्यारी हैं, ये भी मैं ले लेती हूँ। अरे वाह, आज तो शॉपिंग करने का मज़ा आ रहा है। ये क्या है, कोई बात नहीं, ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। अरे वाह, क्या रंग है इस लिपस्टिक का। अरे वाह वाह, दिल तो चाहता है सारी ले लूँ, मगर इतना महंगा हो गया मेकअप, अब कहाँ से लूँगी। अरे अगर सारे पैसे इधर ही खर्च कर दूँगी तो ज्वेलरी कहाँ से लूँगी। हाँ, जमजम, और क्या लूँ। हाँ, ये वाला भी ले लेती। वैसे ये बात तो मैंने सोची नहीं, अभी तो गुड़िया लेना बाकी है। अगर मैं गुड़िया ले लूंगी तो मेरे पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्या करूं, आइडिया, जो भाई के पास पैसे या फिर आप ही के पास कुछ पैसे होंगे, उन दोनों से कहते हो कि मुझे गुड़िया लेकर दो, फिर मेरे पैसे बच जाएंगे। ये, अरे मेरी प्यारी बहन, क्या कर रही है, शॉपिंग कर रही है। समझो, ये सारी शॉपिंग आपने की है। हाँ भाई, सारे ये टॉयज मैंने लिए हैं, मेरे पास देखो पैसे नहीं है, ये देखो पैसे हैं ना। अरे ये इतना महंगा महंगा सामान मैंने लिया, मैं क्या लूं। अरे जमजम, ये देखो, ये तो लड़कों का खिलौना है, इससे तो लड़के खेलते हैं, आप क्यों ले रही हो, पैसे फालतू में वेस्ट होंगे, ये देखो कितना महंगा है, इसे रख दो। और ये देखो, आपने कितना सारा फजूल लड़कों वाला सामान लिया हुआ है, ये देखो, ये गाड़ी आपके किस काम की है, इसे भी रख दो। ये देखो, ये भी इतनी महंगी है, रखो इसे भी। ये देखो, ये क्या है, इसका आपने चार डालना है, भूत बन के सबको डराओगी। ये देखो, ये आपके किस काम का है, ये देखो, ये तुम्हारे खेलने का है, रखो इसे, लड़कों के खिलौने, मैं तो आपके पैसे बचा रहा हूँ। ये देखो, और भी कितना फालतू सामान है लड़कों वाला, ये देखो, इस गाड़ी का अब क्या करोगी आप, आपने तो खेलना नहीं है, आप तो लड़की हो, इसे भी रख दो, इतना महंगा। और ये देखो भाई, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं लूं, मैं घर जाऊं, मैं तो देख रही हूँ, आप देखो भाई, मुझे आपकी नीयत साफ नहीं लगती। इसमें नीयत की क्या बात हुई, मैं तो आपके पैसे बचा रहा हूँ, इसमें नीयत कहाँ से ऐड कर दी, मैं तो आपके पैसे बचा रहा हूँ। भाई सुनो, मेरे सामान को हाथ मत लगा। भाई जो मैं ले रही हूँ अपने पैसों से ले रही हूँ, चाहे वो लड़कों के हो या फिर लड़कियों के। हाँ समझ रहा हूँ। मेरी प्यारी जमजम कहाँ हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। उफ, जिसका डर था वो ही आ गए। आप लोगों ने कितनी ज्यादा शॉपिंग कर ली। अरे भाई, ये तो सिर्फ जमजम का है, आपका कहाँ है। मेरा सामान तो ये पड़ा है। अरे जमजम, ये आपने इतना सारा सामान क्यों लिया। देखा, आप ही ने भी वही बात की ना जो मैं कर रहा हूँ, ये पैसा वेस्ट है। देखो आप ही, मैंने भी कितने टॉयज निकाले फालतू लिए हुए थे इसलिए। क्यों जमजम, क्यों फालतू ले रही हो। अरे फालतू कहाँ से ले रही हूँ, देखो पापा ने मुझे जितने पैसे दिए उतने ही मैं ले रही हूँ। जमजम, ये सारा सामान तुम वापस रखो। हाँ बिल्कुल। क्यों क्यों, बताती हूँ मैं तुम्हें। ठहरो जम, नहीं आप ये निकाल लो, आप ये रख दो, नहीं आप ये इधर रख दो, आप ये वाला मिल, इसे रख दो, आप ये इधर रख दो, आप ये सारा रख दो, छोड़ो जमजम, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। खबरदार, जो मेरा हाथ पकड़ा तो ये चीजें नहीं लोगी आप। अच्छा मेरा सामान निकाला ना, अब मैं आपका सामान निकाल लूंगी, हटो। ये देखो फजूल है ये भी, ये देखो। मेरा सामान निकाला था ना, अभी देखो, ये घटिया है, और रखो इधर, रखो ये क्या कर रही हो,
ये भी घटिया है। तुम्हारी ये मचोल, छोड़ मेरी चीजें। मेरा हाथ झटका, देख रहे हो भाई कितनी बदतमीज होगी है ये, इसके ना बहुत पर निकल आए हैं। आप दोनों मेरा सामान नहीं निकाला था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ओ भाई, अब मैं आपका सामान निकालती हूँ। ओए, ये देखो चूटी के पर निकल आए। अरे वाह भाई, बताती हूँ मैं। ये देखो ये सामान लिया ना, इसे भी इधर रखो। ये देखो ये भी सामान लिया ना, इसे भी इधर रखो। रुक जाओ, रुको, जब जब क्या कर रही हो, क्यों निकाल रही हो मेरा सामान? पूछ इसको, बताओ क्यों निकाल रही हो मेरा सामान? छोड़ो मुझे, मुझे आप दोनों ने हाथ नहीं लगाना। आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? आपी, इसका तो हम कर लेते हैं इलाज। मेरे पैसे हैं? मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे पैसे किधर है? जेब में भी नहीं है, किधर गए? कहीं भी नहीं है। मुसा, आपने मेरे पैसे देखे हैं? आपके पैसे गुम है? मेरे पैसे गुम गए, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। भाई आप ही, आपने मेरे पैसे देखे? इसके भी पैसे गुम हो गए? हाँ, ये क्या हो गया? हम तीनों के पैसे गुम हो गए। सब आप ही और मेरे भी पैसे गुम हो गए हैं। आप दोनों के पैसे भी गुम हो गए? हाँ, हाय ना, हम तीनों के पैसे गुम गए। हाय भाई, मैंने बहुत प्यारे प्यारे सपने देखे थे कि अपने पैसे बचा लूंगी और आपके पैसों से अपनी पसंद के मैं और नए टॉयज ले लूंगी। हैं? मैंने भी यही सोचा था। अरे मैंने भी यही सोचा था कि इस बार जमजम को पैसे ज्यादा मिले तो उसके खर्च कर लूंगा और अपने सेव कर लूंगा। देखा, हम तीनों ने लालच की थी ना, अब हमें सजा मिल रही है। हाँ अपी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी नीयत साफ नहीं थी। हाँ अपी, आप सही कह रही हो, हमें लालच नहीं करनी चाहिए थी, लालच पूरी बला होती है। हाँ भाई, अब आइंदा से हम कभी लालच नहीं करेंगे। क्या बात है जमजम, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आपके दिल में ये सवाल आया कैसे? भाई अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं कैसे यकीन करूँ? अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बताओ आपको कैसे यकीन आएगा? भाई अगर आप मुझे खिलौने लेकर दोगे तभी मुझे यकीन आएगा। जमजम अभी मेरे पास पैसे कम है, जब आएंगे तो फिर मैं आपको ले दूंगा और तब आप यकीन कर लेना। भाई आपके पास पैसे है तो सही, पापा ने आपको दिए नहीं, उनसे मुझे खिलौने लेकर दे दो। वो मेरी बुक्स के लिए हैं, और अगर मैं बुक्स की जगह आपको खिलौने ले दूंगा तो पापा को क्या जवाब दूंगा? भाई आपको अपने पैसे खर्च करने के लिए कौन कह रहा है? हैं?
तो फिर खिलौनों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बताती हूँ, पहले मैं ऐनक पहन लूँ। ओ भाई, आपने अपने पैसों से नहीं, आप ही के जो पैसे उनसे। ओ पागलो, नहीं नहीं, आप ही के पैसों से नहीं। पहले मुझे ये बताओ, आपके खिलौना कितने का आएगा? भाई, पापा ने आपको आप ही के लिए 100 रुपए दिए है ना, मेरी तो 50 रुपए की चीज आएगी और 50 बच जाएंगे। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? और बाकी के 50 आप रख लेना, अगर रखना चाहो तो। आप ही को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे ही नहीं। अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। यस, 50 का फायदा आपका और 50 का फायदा मेरा। आप पे मैं यकीन कैसे करूं? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आप जब चाहे मुझे फंसवा सकती हो। जब हम एक कश्ती के मुसाफिर है ना, भरोसा करेंगे तो किनारे पे पहुंचेंगे। ठीक है, जाओ 50 वाला एक खिलौना ले लो। भाई को जाके बताती हूँ कि मैंने गुड़िया ली है, भाई बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, वाओ, ये डॉक्टर सेट कितना प्यारा है। ऐसा करती हूँ, ये डॉक्टर सेट भी ले लेती हूँ। और वैसे ये दो खिलौने कैसे लूँ मैं? भाई के सामने तो एक खिलौने की बात हुई थी, तो मैं कौन सा लूँ? ये दोनों तो कितने प्यारे हैं। मैं भाई को जाके कहती हूँ कि मैं दो खिलौने लूंगी। हाँ, ये वाली पेंसिलें चाहिए मुझे। हाँ, बुक्स की तरह चलता हूँ। भाई, मैं दो खिलौने ले रही हूँ। जमजम, बात तो एक खिलौने की हुई थी, दो क्यों ले रही हो? इनमें से एक लो और एक रखो चुपचाप। ओ भाई, आवाज नीचे, मैं दो खिलौने लूंगी। ओ जमजम, आगे मैं आपको बेईमानी करके खिलौना लेके दे रहा हूँ? लेना है तो शराफत से एक खिलौना लो और दूसरा रखो शाबाश। नहीं, मुझे ये दोनों खिलौने चाहिए। नहीं, आप एक ही खिलौना लोगी। मुझे दोनों लेने हैं। तुम रखती हो कि नहीं? मैं दो ही खिलौने लूंगी, आपको जो करना है वो कर लो। अच्छा, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जाओ इसे रख के आओ। आपको इस धक्के का हिसाब देना पड़ेगा। मूसा, जमजम। ओ जमजम, आप कहाँ गिर गए हो? क्या हुआ आपको? क्या बात है भाई, ऐसे ही गिर गई है? नहीं, आप ही, भाई ने मुझे धक्का दिया है। क्या, भाई ने धक्का दिया है? क्यों मूसा, क्यों धक्का दिया इसको? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। भाई बेईमान हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। भाई कह रहा था कि ना हम दोनों ना के 50-50 कर लेते हैं। किस चीज के 50-50 कर लेते हैं? अरे पापा ने जो आपके लिए पैसे दिए थे उसके। भाई ने चीटिंग के लिए कहा, पर मैं नहीं मानी। फिर भाई ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। जमजम, ये झूठ कहानियां ना बनाओ, जो सच बात है वो बताओ। नहीं, ये सच है, मैं ये बता रही हूँ ना। नहीं आपी, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। क्या ये सच नहीं है कि हम दोनों में 50-50 बात हुई थी? अच्छा, तो ये बात है। आपी, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी सच बताऊंगा। ये जो है, हमारी बात हुई थी 50-50 के बारे में, पर बेईमानी इसने की है। हाय अल्लाह, मैंने नहीं बेईमानी की। क्यों मूसा, वो कहती है मैंने नहीं बेईमानी की। जमजम, अब तो सच बोल दो। अरे भाई, क्या होगी, ये तो सच है, चीटिंग मत करो। ये लो गुड़िया, ये जो सामान आपने मांगा था,
और जाते वक्त पैसे दे के जाना, ठीक है? आपी, ये देखो सबूत, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये इसने कहां से पकड़ा? हाय, इससे भी अभी आना था, सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अभी मैंने इसे धक्का इसलिए दिया क्योंकि एक खिलौने की जगह दो खिलौने ले रही थी और वहां पे बात बिगड़ गई। अब बस सारी बात मैं समझ गई, और इसका मतलब है आप दोनों ने मिलकर चीटिंग की थी, और जमजम आप लालच में आ गई थी इसलिए आपने ज्यादा खिलौने लिए। देखो मूसा, बड़ी बहन होने के नाते मैं आप दोनों को समझा सकती हूँ और माफ भी कर सकती हूँ, मगर अब आइंदा दोनों से ऐसी गलती ना हो। जिस चीज के लिए पैसे दिए जाएं उसी चीज पर इस्तेमाल करने चाहिए, लालच करनी नहीं चाहिए। सॉरी भाई, अब मुझे पता चला कि लालच बुरी बला है। अच्छा भला मुझे एक खिलौना मिल रहा था और मैं लालच में मैंने दूसरे को भी खो दिया। I'm sorry आपी, मैं भी लालच में आ गया था, और sorry जमजम, मैंने आपको धक्का दिया। I'm sorry। मूसा आपी और तो लोग चले, पापा इंतजार कर रहे होंगे। मूसा आपी और जमजम, मूसा आपी और अरे टेंशन नहीं लेना, पैसे मिल जाएंगे आपको, ईद से पहले मिल जाएंगे। अरे अभी कहाँ लेकर जा रही हूँ मुझे? अरे पापा के पास लेकर जा रही हूँ, कान खोल के सुन ले। क्या सुन लूँ? मैं जा रही हूँ पापा के पास पैसे लेने, और अगर तुमने ये अपनी सूखी सी पेंसिल जैसी टांग अड़ाई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि आप कुछ उल्टा सीधा करने वाली है? मैं जो मर्जी करूं, तुमने अपनी जुबान बंद रखनी है। बजाई ठोकर पे कैसे समझ आएगी? अरे पहले मिलने तो दे, फिर बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी आओ मेरे साथ। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो मैं बाद में बात करता हूँ। जी बेटा। वो पापा मुझे बुक्स के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? बेटा अभी तो पेपर खत्म नहीं हुए, अभी तो आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो फिर किस लिए बुक चाहिए? वो बाबा थर्ड टर्म में बुक्स चेंज हो गई है ना, इसलिए। वो आप स्कूल नहीं जाते ना, मैं जाती हूँ, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, हैरत है भाई, इस बार थर्ड सेमेस्टर में बुक चेंज होगी। अच्छा चलो फिर बेटा, ये लो 500 रुपया, और जाके ले लो, कहो तो मैं भाई को भेजूं, वो भाई भी आ जाएगा। थैंक यू पापा, 500 ठीक चलेगा, मगर इसमें भी गुजारा कर लूंगी मैं। और रही बात भाई की, नहीं, उसको नहीं भेजना, वो तो उल्टा तंग करेगा मुझे, हम दोनों लेके आ जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, फिर जाओ फिर आप, मैं फिर आपका इंतजार यहीं पे करता हूँ, क्योंकि मूसा आ रहा है, वो पार्किंग लगाने गया। ठीक है जाओ मेरा बेटा। तुझे नहीं पता मुझे चाहिए बुक्स। आपी, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रही हो। आपने कोई बुक्स नहीं लेने, आपने झूठ बोल के पापा से पैसे लिए हैं ताकि आप ज्वेलरी ले सको। ए चुटकी, चुप कर, आस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन उनकी जुबान नहीं होती। अच्छा चल ज्यादा नाटक मत कर, बोल मुंह बंद करने का ख्याल लेगी। अब आई ना लाइन पे, बताओ क्या लेकर दोगी मुझे? जितनी तुम्हारी हाइट है ना, उसके लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप बनता है, मगर मेरा भी तुम्हें पता है मैं कितनी दयालु हूँ। हाइट पे जाना नहीं, हाइट का बोलना नहीं। चलो ठीक है, तो मैं भी एक आधा खिलौना लेके दूंगी। एक खिलौने से क्या होता है, दो खिलौने लेके दोगी? दो। अच्छा चल ठीक है, आ मेरे साथ।
पता नहीं इस महंगाई के दौर में भी कैसे कैसे लिचड़ चिमट जाते हैं मुझे। मुझे ये भी चाहिए और वॉ बलून्स ये भी ले लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ी जाएगी मुझे। और ये क्या चीज़ है, चलो इसे भी ट्राई करके देख ही लेती हूँ। और क्या लूँ मैं, और ये क्या है, ये हाँ मुझे चाहिए था ये। और ओ वाओ ये देखो जमजम, ये देखो जमजम, ये है मनी बॉक्स, मगर ये नहीं लेती ढोलकी जैसा। अरे वाओ ये देखो यूके स्टाइल, ये ले लेती हूँ, देखो कितना स्टाइलिश है ये, से रख लेते हैं। मैं पूरी पॉकेट मनी अपनी रखूंगी मैं संभाल के। और देखते कितने प्यारे प्यारे बैग है जमजम। आप ही सब कुछ आप ही लेती जा रही हो, मुझे भी तो कुछ लेकर दो। अच्छा पहले सब्र तो कर, तुझे अपनी पड़ गई है, पहले मुझे तो शॉपिंग कर लेने दे, बेसब्री होगी है। अरे जमजम ये देखो, वाह टैटा बियर, कितना क्यूट है ना रेड कलर का, से मैं ले लेती हूँ उसको अपने घर में से जाऊंगी मैं। और कितनी अच्छी अच्छी चीजें, चलो आगे देखते हैं। जी पापा आ गया मैं। हाँ मूसा लगाया हूँ पार्किंग। अच्छा पक्की बात है? ठीक। और ये आप ही जमजम का है? आप ही और जमजम, यार ये कब से गए हैं अंदर, कुछ सामान लेना था, बुक्स लेनी थी उसे, तो जाओ देखो उन्हें क्या, आओ चले मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आप इधर ही बैठे। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये ले लेती हूँ वो चाहिए, मुझे है ना एक भी चीज नहीं लेकर दे रही, खुद कह रही खुद लेती जा रही है और मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही, इसका तो कर लेती हूँ इलाज। अरे वाह ये है वो पेंसिल, ये पेंसिल मैं अपनी बेस्टी बब्बाशी को दूंगी, वो दीवारों पे लाइनें मारेगी। क्यों जमजम इधर आ गई, क्या हुआ जमजम उधर खड़ी होगी हो, इधर आओ। देखो आप ही मेरे साथ फिल्म मत चला, चुपचाप मुझे खिलौने लेकर दो, इतनी ज्यादा तो चीजें ले ली है, पता नहीं कितने पैसे बचे हैं, पर मुझे चुपचाप खिलौने लेकर दो। अच्छा सब्र कर, वेट चेक करती हूँ मैं। 100, 200, 300, 400, 500, मेरे पास तो 500 है, इसका मतलब जमजम की चीजों के लिए पैसे नहीं बचे। देख जमजम आप अभी आप बहुत छोटी हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वैसे भी आपको इन चीजों की क्या जरूरत है, बाद में ले लेना किसी और दिन, ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं है इतने। क्या अब आपके पास पैसे नहीं बचे, ये जो आपने चीजें ली है ना इनमें से चीजें कम करो थोड़ी और मुझे एक खिलौना लेकर दो। ए जमजम ज्यादा नाटक ना कर, मैंने जब कहा है ना कि बाद में लेकर दूंगी तो बाद में लेकर दूंगी, ये चीजें बाहर नहीं आने वाली। कैसे बाहर नहीं आएंगी, मैं अभी देखती हूँ कैसे बाहर लेकर जाती हूँ। तेरी ये मजाल कि तू मेरे खिलौनों को हाथ लगाएगी, मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम लेके दूंगी, अब नहीं लेके देती। भाई आप किस वक्त आए? सही वक्त पे आया हूँ। मैंने पूछा क्यों धक्का दिया इसे? अरे भाई आप नहीं समझते इसको, मैं इसको समझती हूँ, एक नंबर की नाटकबाज है ये। जमजम आपको चोट तो नहीं लगी, ठीक हो? अरे भाई कसम उड़ान छल्ले की, मैं सच कह रही हूँ, एक नंबर की नाटकबाज है, देखो जरा कैसे एक्टिंग कर रही है। अबे मैं आपकी तरह झूठी नहीं हूँ, मैं सच में लगी है। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ अबे। भाई अब जाना चाहते हो ना कि मैंने इसको क्यों धक्का दिया, तो सुनो भाई पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे सामान लेने के लिए, उसने बीच में आके कहा कि मुझे ना खिलौने ले दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने उसको मना कर दिया, तो मुझसे बदतमीजी करने लग गई, तो मैंने उसको धक्का दे दिया।
आपी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ मत बोलो। भाई मैं आपको बताती हूँ सच क्या है। जी जमजम बताओ। भाई आपी ने पापा से झूठ बोल के पैसे लिए थे। क्या झूठ बोला पापा से? आपी ने कहा था पापा से पापा मुझे बुक्स के लिए पैसे दे दे। एक्चुअल में तो ये खिलौने लेने लग गए और मुझे इसने कहा कि मैं आपको भी लेकर दूंगी। बस चुप रहो। क्यों आपी, झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्या आपको पापा से पॉकेट मनी नहीं मिलती? अरे आपी आप बड़ी हो हम दोनों से, उम्र में भी और कद में भी, और मैं आपको समझाऊंगा। माँ बाप का एतबार मत खोना, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा आपके। भरोसा बनाने में उम्र लग जाती है और भरोसा टूटने में पल भी नहीं लगता। नहीं नहीं मूसा, मैं माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। मैंने तो जस्ट शरारत की थी। अब भलाई इसी में है, पापा को उनके पैसे वापस करो और घर चलो, पापा बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, आई एम सॉरी जमजम। देर लगेगी।